कंप्लीट तो नहीं हुआ लेकिन डिग्री जल्दी मिल जाएंगी। ओके, क्या आप अपने साथ अपना बायोडाटा लेकर आएंगे? जी हाँ बिल्कुल, उसे लाने कैसे भूल सकती हूँ, ये लीजिए। थैंक यू। इसमें आपके फादर का नाम ली जॉनसुक लिखा है, क्या आपके फादर मिस्टर ली है? क्या मिस्टर जॉनसुक आपके डैड है? हाँ वो मेरे डैड है, क्या कोई दिक्कत? यस मैम, दिक्कत तो है। अगर आपके डैड को पता चला कि हमने आपको जॉब पे रखा है तो हमारी तो कंपनी बंद हो जाएगी। हाँ वो मेरे डैड हैं, पर देखो मुझे जॉब करनी है, प्लीज करने दो। मैम अगर आपके पास हमारे लिए कोई जॉब हो तो हमें बताइए। नहीं नहीं कोई जॉब नहीं है मेरे पास तुम्हारे लिए, तुम अपना काम करो। हेलो आर्मी, अब है ताई के इंट्रो की बारी। ताई बहुत क्यूट और काइंड नेचर की है, थोड़ी सी नॉटी भी है। ये है तो बिलियनर, पर इसे नॉर्मल लोगों की तरह रहना ज्यादा पसंद है। हमारी ताई को थोड़ा झूठ बोलने की आदत है, ज्यादा बड़े वाले नहीं, छोटे छोटे। ओके वापस स्टोरी पे आते हैं। यहाँ ताई कंपनी से बाहर आ जाती है। डैड भी ना, डैड की वजह से मुझे कहीं जॉब नहीं मिलती। खैर मुझे पता है एक ना एक दिन तो मुझे अच्छी जॉब मिल ही जाएगी, किसी बहुत बड़ी कंपनी में। खैर अभी तो हॉस्टल वापस चलते हैं, सब लोग इंतजार कर रहे होंगे मेरा। जी हाँ, ताई हॉस्टल में रहती है, ऐसा नहीं कि उसे घर से निकाल दिया है, बल्कि वो अपनी मर्जी से रहती है। हमारी ताई को इंडिपेंडेंट रहना ज्यादा पसंद है, ना कि किसी पे डिपेंड होके। यहाँ ताई को हॉस्टल पहुँचते पहुँचते रात हो जाती है। हे गर्ल्स, मैं आ गई। और पढ़ाकू क्या कर रही थी? पढ़ी रही थी ना। और डांस कर लो। और ये कोई डांस करने की जगह है? आज मैं बहुत थक गई हूँ, मुझे सोना है। हे मिस मेकअप, तुम्हें तो मैंने देखा ही नहीं। हे ताई, इंटरव्यू कैसे गया? मुझे जॉब देने से मना कर दिया। जरूर मना कर देंगे, तुम्हारे डैड को कौन नहीं जानता। वही तो दिक्कत है, लोगों को डैड को नहीं मुझे जानना चाहिए था। ऐसे ट्राई करते रहो, कहीं ना कहीं तो तुम्हें जॉब मिल जाएगी। हाँ बिल्कुल, मैं इस तरह हार नहीं मानने वाली। इसका मतलब तुम कल भी इंटरव्यू देने जा रही हो? हाँ, जब तक मुझे जॉब नहीं मिल जाती तब तक मैं चैन से नहीं बैठ सकती। ताई मुझे समझ में नहीं आता तुम जॉब क्यों करना चाहती हो, तुम्हारे डैड बिलियनर हैं, तुम्हारी सारी ख्वाहिशें पूरी कर सकते हैं वो। ओह जिमिन, तुमने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। शनाए जिमिन, मैं किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहना चाहती, मैं इंडिपेंडेंट बनना चाहती हूँ। मैं खुद का कुछ करना चाहती हूँ, मेरे डैड को भी फिर मुझ पे प्राउड होगा और मैं अपने लिए एक बड़ी कंपनी में जॉब ढूंढ के रहूंगी। इंट्रो की बारी। हमारी जिन बहुत ही काइंड और स्वीट नेचर की है, जिनको पढ़ना बहुत पसंद है और वो भी आगे चल के कुछ करना चाहती है। वो एक नॉर्मल फैमिली से है। हमारी जिमिन नॉटी बहुत है, जिमिन को डांस करना बहुत पसंद है, वो भी एक फेमस डांसर बनना चाहती है। हमारी जिमिन भी नॉर्मल फैमिली से है। ये शनाए एस वाइन, और ये बहुत नॉटी है, थोड़ी सी गुस्सैल। शनाए को मेकअप करना बहुत पसंद है, वो भी आगे चलकर बड़े बड़े सेलिब्रिटीज की मेकअप आर्टिस्ट बनना चाहती है। कल इंटरव्यू के लिए जाना है, मैं सोने जा रही हूँ। हम भी सोने जा रहे हैं, कल क्लास के लिए लेट नहीं होना है। ओके बाय, मैं जा रही हूँ। ओके ऑल द बेस्ट। आई होप कि 20वीं बार तुम्हें जॉब मिल जाए, है ना ताई? 20वीं बार, वाओ, ऑल द बेस्ट। मजाक मत उड़ाओ मेरा, मैं चलती हूँ, बाय। फिर ताई वहाँ से चली जाती है। चलो हम लोग भी अपनी क्लास में चलते हैं। फिर वो तीनों भी वहाँ से अपनी क्लास में चली जाती है। मैं एक क्वीन हूँ, और एक क्वीन को ऐसे खटारा खींचते हुए कोई देख लेगा तो क्या कहेगा? मछली वरना मर जाती, इजिप्ट गधे कहीं के दिखाई नहीं देता है, कैसे चलाते हो? क्वीन की बातों को इग्नोर किया? हाँ इस पे तो फिल्म बन सकती है, खटारा खींचती हुई क्वीन। एक्सक्यूज मी मैम, आप अंदर नहीं जा सकती। बट वह ऐसा कौन सा पार्ट टूट गया कि मैं अंदर नहीं जा सकती? आई एम सॉरी मैम, इस तरह कोई भी अंदर नहीं जा सकता। मुझे पता ही था कि आप मुझे अंदर नहीं जाने दोगे। देखो मेरे पास एंट्री लेटर है, मुझे अंदर जाने दो, मुझे इंटरव्यू देना है वरना मैं लेट हो जाऊंगी, प्लीज मुझे जाने दो। देखो मेरे कपड़ों पे मत जाओ, ये बहुत एक्सपेंसिव है। एक्चुअली मैं आते हुए गिर गई थी, इसलिए गंदे हो गए थोड़े। ओके मैम, आप अंदर जा सकती हैं।
ओके, थैंक यू सो मच। मुझे ये जॉब चाहिए, ये कोरिया की नंबर वन कंपनी है। दूसरी तरफ उन लोगों की क्लास खत्म हो चुकी होती है। शना, मैं लैब जा रही हूँ, जिमी नागी तो उसे भी बता देना। पढ़ाकू लोग, ठीक है। ओके, तो मैं चलती हूँ। फिर जिन वहाँ से चली जाती है। जिन कहाँ चली गई? लैब गई है। चल हम भी कैंटीन चलते हैं। वाह, भूख तो मुझे बहुत लगी है। खाने के मामले में तो मैं सबसे आगे हूँ। ओ सोनी है। ये तो गई काम से। अपना मुंह बंद करो। तेरा मेरा साथी वही रहना। हुआ है आज पहली बार जो ऐसे मुस्कुराया हूँ। तुम्हें देखा तो जाना ये कि क्यों दुनिया में आया हूँ। ये जाने पर के जा मेरी तुम्हें जीने। अरे वाह, मेरे पहली पहली बार हो गई किस की बरसात। इजाजत रब से। ये सब क्या है? तुमने जिमिन को किस कैसे किया? गधे टाइप के, दिखाने देता तुम्हें। तुमने मुझे किस कैसे किया? हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी मुझे किस करने की? हाँ, न जान न मान, मैं तेरा मेहमान, वही वाली बात हो गई। हाँ, सांप हो क्या? कान नहीं है, सुनाई नहीं दे रहा क्या तुम्हें? अरे वाह जिमिन, तुम्हें पता है सांपों के कान नहीं होते? हाँ सांपों के कान नहीं होते, पर वो रेंग कर महसूस कर सकते हैं। तुमसे किसी ने राय नहीं मांगी। तुम कौन से जानवर हो, नेलवे हो क्या? मैडम, नेलवा नहीं, नेवला होता है। वैसे दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। तुम दोनों यहाँ क्या कर रही हो इन लड़कों के साथ? हाँ, कौन है लड़के? अरे बाप रे बाप, ये माता जी कहाँ से आ गए? मुझे नहीं पता, शायद गर्ल्स हॉस्टल की गार्ड आंटी है ये। बताओ भी, तुम लड़के मेरे हॉस्टल के लड़कियों के साथ यहाँ क्या कर रहे हो? हाँ आंटी, ये क्या बताएंगे, मैं बताती हूँ आपको। अरे देवी जी, आप शांत रहिए, हम वार्तालाप कर लेंगे। वो क्या है ना आंटी, ये हमारी गर्लफ्रेंड्स हैं। वो क्या है ना आंटी, हम तो बस इन्हें छोड़ने आए थे यहाँ पर। ओ बेबी, आई लव यू। क्या करे, छोड़ मुझे? नहीं छोड़ सकते, तुम्हें छोड़ तो हम फंसेंगे। ओ बेबी, आई लव यू। ये तो इसका बॉयफ्रेंड है। पर जिमी, तुम इस लड़के को यहाँ हॉस्टल के पास क्यों लेकर आई हो? आंटी वो, ये मेरी गर्लफ्रेंड है। ए, क्या कर रहे हो, मुंह तोड़ दूंगी तुम्हारा। ओ आंटी, हम तो बस अपने गर्लफ्रेंड्स के यहाँ छोड़ने आए थे, बस अभी जा रहे हैं। हाय, लगता है बहुत प्यार करते हैं इनसे। ओ आंटी, आपकी उम्र हो चुकी है, ऐसी हरकतें मत करो। ओ बेबी, सबके अपने अपने जवानी के दिन थे, ऐसे क्यों बोल रही हो? तुमने बिल्कुल ठीक कहा बेटा। अच्छा ठीक है, अब तुम दोनों जाओ यहाँ से। अरे आंटी, ये दोनों झूठ बोल रहे हैं। इनसे पूछ लो अभी, इन दोनों ने यहाँ पर किस की। आज तो चलो, मेरी तेज आंखों ने देख लिया, दोबारा लड़के यहाँ पर आने नहीं चाहिए। सुन लिया तुम दोनों ने? जी आंटी बिल्कुल, अब हम नहीं लेकर आएंगे, आप यहाँ से जा सकती हैं। फिर वो आंटी वहाँ से चली जाती हैं। हिम्मत कैसी है तुम्हारी, आंटी के सामने मुझे अपनी गर्लफ्रेंड कहने की? हाँ, तुम जैसी लड़की को अपनी गर्लफ्रेंड बनाने में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। और जो हमने किया करा, उसके लिए आई एम सॉरी। आसानी से सॉरी कह दिया, तुमने मुझे किस किया है? हाँ जिमी, मिस्टर तो तुमने किस किया था। इसकी आंखें नोच लो, इसको सजा दो, इसे छोड़ो मत। मिस भयंकर, जरा अपने गले का वॉल्यूम थोड़ा कम करो। हाउ डेयर यू कॉल मी भयंकर। अब तुम्हें देखकर भयंकर नहीं कहेंगे लोग, तो और क्या कहेंगे? अपना मेकअप देखा है 100 किलो का? मेरे मेकअप पे मत जाना, वरना मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी। ओ गॉड, ये कैसे लड़के, इन्हें तो बात करनी भी नहीं आती, किसी से कैसे बात करें? अब तुम हमें तमीज सिखाओगे? हाँ जब चले यहाँ से, डम गर्ल्स। फिर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। हमारे शुगर का नॉर्मल नेचर है, वो ज्यादा किसी से फालतू नहीं बोलता। शुगर पढ़ने में बहुत अच्छा है। शुगर हमारे रिच फैमिली से, उसके डैड बहुत बड़े बिजनेसमैन है। हमारी जेहू का नेचर क्यूट और नॉटी है। जेहू रिच फैमिली से है, उसकी मॉम एक बहुत बड़ी बिजनेसमैन है। पर जेहू के डैड नहीं है, सिर्फ मॉम है। जेहू और शुगर बहुत अच्छे दोस्त हैं। इंतजार करते करते मैं थक गई। पता नहीं वो कब आएंगे, मेरा इंटरव्यू कब लेंगे। मैंने दो दिन क्लास छोड़ दिया, एक आज और एक कल। इंटरव्यू के लिए वो आपके ऑफिस में आपका वेट कर रही है। हाँ ठीक है, तुम लोग जाओ, जब तक मैं उसका इंटरव्यू ले लेता हूँ।
फिर जंकुक अपने ऑफिस में आता है। क्या आप मुझे बताएंगी कि आप यहाँ क्यों सो रही हैं? मैं कहाँ सो रही थी, तुम कौन हो? मैडम जिस चेयर पे आप बैठी हैं ना, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, ये यहाँ के सीईओ की है। ब्रिलियंट मैम, ये मेरी ही है। इसका मतलब आप ही मिस्टर जियोन है? I'm sorry सर, वो मैं... It's okay, अब तुम क्या उठोगी वहाँ से? फिर तय जल्दी से चेयर से उठ जाती है। गॉड, ये मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे? यहाँ तुम्हारे डैड के नाम पे कट क्यों लगा हुआ है? यहाँ पर नाम क्यों नहीं लिखा? फंस गई मैं। कहाँ खो गई तुम? बोलो। भाई कुछ खिचड़ी पका। Actually सर, वो मेरे मॉम डैड नहीं है। मेरे मॉम डैड नहीं है। सॉरी मम्मा डैडी। ओह आई एम सॉरी, मुझे पता नहीं था, पर इस पर उनका नाम तो होना ही चाहिए था। मुझे मेरे मम्मा पापा का नाम नहीं पता है। तो आप मुझ पर तरस खा के मुझे जॉब दे रहे हो ना? ओह हाँ, तुम्हारी जॉब, मैं तुम्हें जॉब नहीं दूंगा क्योंकि तुम बहुत ज्यादा इनडिसिप्लिन हो। जंकुक कोरिया का नंबर वन बिजनेसमैन। जंकुक को इनडिसिप्लिन वाले लोग बिल्कुल पसंद नहीं है, और जंकुक से कोई झूठ बोले ये उसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। उसे झूठ बोलने वाले लोग बिल्कुल पसंद नहीं। जंकुक का नेचर रूड नहीं है, बस वो थोड़ा स्ट्रिक्ट है। जंकुक की फैमिली में उसके ग्रैंडपा और ग्रैंडमा रहते हैं, उसके अलावा कोई नहीं, और जंकुक उनसे बहुत प्यार करता है। क्या कहा आपने? मैंने कहा मैं तुम्हें जॉब नहीं दे सकता, मेरे ऑफिस में ऐसे इनडिसिप्लिन लोगों की कोई जरूरत नहीं है। क्या पागल आदमी है। देखिए सर प्लीज, मुझे जॉब चाहिए, प्लीज मुझे जरूरत है। आई एम सॉरी, कहीं और जाकर ट्राई कर लो, मैं तुम्हें जॉब नहीं दे सकता। तुम जा सकती हो मिस काय, बाय। ऐसे नहीं हो सकता, मुझे जॉब चाहिए, कुछ भी हो जाए। प्लीज सर। ये क्या कर रही है तुम, जरा बोलोगी? सॉरी सर, पर प्लीज मुझे जॉब दे दीजिए, मुझे बहुत जरूरत है, प्लीज। मैं डिसिप्लिन में भी रहूंगी, प्लीज सर, मुझे जरूरत है इस जॉब की, प्लीज दे दीजिए। मेरे तो मम्मा डैडी भी नहीं है, मेरा ध्यान कौन रखेगा? इडियट। नहीं सर, मैं आपको जाने नहीं दूंगी। क्या कर रही हो तुम, सामने से हटो। आपने मुझे जॉब नहीं दी तो मेरे कॉलेज की फीस, मेरे हॉस्टल के रेंट का क्या होगा? अगर मेरे मम्मा डैडी होते तो मुझे जॉब के लिए आपके पास नहीं आना होता। एक काम करो, तुम यहाँ पे नंबर दे दो, मैं बाद में तुम्हें बता दूंगा कॉल करके। सच में सर? थैंक यू सर। खुश मत हो, अभी बताया नहीं, बताऊंगा। ओके सर, ये लीजिए नंबर, मैं चलती हूँ। बाय बाय, कॉल करना मत भूलना। फिर टाय वहाँ से चली जाती है। ये लड़की कितनी अजीब थी, अगर मैंने इसे जॉब पे रखा तो मेरे डिसिप्लिन ऑफिस को इनडिसिप्लिन कर देगी। हे सीनियर, क्या कर रही हो? काम कर रही हूँ, तुम्हारे पास नहीं है क्या? हाँ सीनियर, आप ऐसे बात मुझसे नहीं कर सकती है, मैं आपसे जूनियर हूँ, आपको मेरी मदद करनी चाहिए। हाँ? मेरा पेन खत्म हो गया, क्या तुम्हारे पास एक्स्ट्रा पेन है? सीनियर आपने मुझसे क्यों नहीं पूछा? मेरे पास भी पेन है, क्या आपको चाहिए? दो। I'm sorry सीनियर, मैं यूज कर रही हूँ, नहीं दे सकती। Idiot। देखो जीवू, वहाँ जाके काम करो। सीनियर मुझे आपकी हेल्प चाहिए और आप मुझे यहाँ से भगा रहे हो, मैं प्रोफेसर को बता दूंगी कि आप अपने जूनियर से कैसे बिहेव करते हो। यहाँ क्या हो रहा और तुम सब इतना शोर क्यों मचा रहे हो? प्रोफेसर आपने थोड़ा देर कर दिया, आपको थोड़ा जल्दी आना चाहिए था, इधर मैं लड़ रही थी। जूनियर हो ना तो जूनियर की तरह रहो। प्रोफेसर आपको पता ना, जीवू ऐसे नहीं कर सकती। एक्सक्यूज मी मैडम, अपने आप को सीनियर मत समझो, तुम भी जूनियर ही हो। अपनी सांप जैसी लंबी जबान को थोड़ा अंदर लो। चुप करो तुम सब, मेरे सामने इतना लड़ रहे हो तो पीछे कितना लड़ रहे होगे तुम लोग। हाँ सीनियर की वजह से। छोड़ो ये सब, मैंने तुम लोगों को काम दिया था, क्या तुमने वो सब काम किया? रीडिंग लिखने को कहा था ना? प्रोफेसर मैंने ले ली है, ये रही, आप चेक कर लेना। प्रोफेसर मैंने भी रीडिंग ली है, मेरी भी चेक कर लेना। सर मैंने एक एक रीडिंग ध्यान से ली है, देखना सीनियर की गलत होगी मेरी सही। ओके जीवू, तुम्हारी सही मेरी गलत। ओके प्रोफेसर मैं चलती हूँ, बाय जीवू। इतना कहकर जिन वहाँ से चली जाती है। बाय प्रोफेसर, मैं भी चलती हूँ। ओके प्रोफेसर मैं भी जा रहा हूँ, मैंने भी रीडिंग ले ली है, आप चेक कर लेना। ये है जीवू, थोड़ी सी नॉटी है और बहुत ज्यादा बोलती है, जिनकी जूनियर है। युंजन इसका भी नॉर्मल नेचर है, ये बहुत फनी भी है, और ये जिनका जूनियर है। फिर जीवू और युंजन भी वहाँ से चले जाते हैं। इन बच्चों का भी कुछ नहीं हो सकता। आर्यन ये कॉलेज इन्हीं का है और ये अपने कॉलेज में बहुत बड़े फिजिक्स प्रोफेसर है, कॉलेज के 3 टॉपर स्टूडेंट्स को यही पढ़ाते हैं, और उनमें से एक टॉपर हमारी जिन भी है। आज तो मैं बहुत थक गई। वेलकम होम टाय, और बताओ तुम्हारा इंटरव्यू कैसा रहा?
क्या ही बताऊँ अब तुम्हें, अच्छा भी था और नहीं भी। उन्होंने मेरा नंबर लिया है, कह रहे थे कि बाद में कॉल करके बताएंगे, फिर वो मुझे बुलाएंगे ऑफिस। आई होप कि तुम्हारी जॉब जल्दी लग जाता है। ये लो कॉफी पियो और चिल मारो यार, टेंशन वेंशन भूल जाओ सब। जिमिन को देखो कितना चिल करती है, टेंशन नहीं है उसे कोई भी। बहन इतना भी मत खा कि तेरी कमर का कमरा बन जाए, ओके? मेरी कमर का कमरा नहीं बन सकता क्योंकि मैं डांस करती हूँ और फिट रहती हूँ। ओके ठीक है, बातें बंद करो और चलो सो जाते हैं, ताकि हम कल बात करेंगे। कल से मैं सारी क्लासेस अटेंड करूंगी। ओके गुड नाइट। फिर वो चारों भी जाके सो जाती हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग आर्मी, आई होप कि आपको स्टोरी पसंद आई होगी। अगर नहीं आई है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। नहीं नहीं बता सकते हो नहीं, बताना जरूर, ओके? कि आपको स्टोरी कैसी लगी, फिर मैं इसे आगे कंटिन्यू करूंगी। ओके बाय आर्मी, थैंक यू फॉर वॉचिंग आर्मी, बाय बाय।